सोशल मीडिया पर ये तस्वीर काफी शेयर की जा रही है। इस यूजर ने ये तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि उसका अब्दुल सबसे अलग था। गौर करें कि सोशल मीडिया पर राइट विंग यूजर्स अक्सर अब्दुल शब्द का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधते हुए करते हैं। वहीं फेसबुक पर ये तस्वीर पोस्ट करते हुए दावा किया गया कि ये लाश हिंदू लड़की बिनीता की है और इसे ले जा रहा ये शख्स अब्दुल है, जो बिनीता की लाश को बोरे में भरकर पुल के नीचे फेंकने ले जा रहा था, लेकिन बाद में पुलिस ने इसे पकड़ लिया। ऑल्ट न्यूज ने इस तस्वीर को वायरल होता देख इसके बारे में छानबीन शुरू की। रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें कई रिपोर्ट्स मिली जिसमें बताया गया है कि ये तस्वीर इजिप्ट की राजधानी काहिरा की है। कैरियो 24 की इस रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से लिखा है कि बाइक चलाने वाला आदमी असल में रेडीमेड कपड़े लगाने के लिए एक पुतला ले जा रहा था। इसी मीडिया संगठन की इस दूसरी रिपोर्ट में बताया गया है कि रेडीमेड कपड़ों की दुकान के मालिक ने पुतला दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से रिक्वेस्ट की थी और इसलिए ये बाइक सवार पुतले के पार्ट्स को अलग अलग कर एक बोरे में भरकर मोटरसाइकिल पर ले जा रहा था। ऑल्ट न्यूज को इस दुकान का ये फेसबुक पोस्ट भी मिला जिसमें ब्रांच के मैनेजर ने यही बात बताई थी। इस पेज से पुतले की ये दूसरी तस्वीर भी शेयर की गई थी। ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए इस दुकान के रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि वायरल तस्वीर असल में उनकी दुकान के पुतले की ही है, यानी असल में बाइक पर दिख रही बोरी में एक पुतला था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे बिनीता नामक हिंदू महिला की लाश बताकर झूठे सांप्रदायिक एंगल के साथ तस्वीर शेयर की गई।